हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंक की विजय में। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे आप मैसेज और कमेंट्स आ रहा था कि भाई हिंदी के लिए आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे हिंदी की तैयारी कर रहे हो आरबीपी ओपन के लिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो भी बना दूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना स्कोर कार्ड आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है, यहाँ पे नहीं मेरा देख सकते धीरे कुमार, और यहाँ पे हिंदी में जो मेरा स्कोर था वो था 23/40, ठीक है। और ये आरबीपीओ का मेंस का स्कोर कार्ड है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी का आरबी क्लर्क। तो ये आरबी क्लर्क मेंस का हिंदी का मेरा स्कोर कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं 23/40। तो आरबीपीओ और क्लर्क में मेरा सेम स्कोर आया था 23/40। और लास्ट ईयर की बात करके, लास्ट ईयर क्या स्कोर रहा था मेरा, तो लास्ट ईयर अच्छे स्कोर नहीं थे, 29.25 स्कोर थे, बट ठीक ठाक है, 23 स्कोर था, तो चलो ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या किया था, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भाई साहब, मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मैंने सिर्फ मॉक प्रैक्टिस किया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपके बिल्कुल सामने है, ये आरबीपीओ लास्ट ईयर का मेंस का मॉक है, मैंने एक भी मॉक नहीं छोड़ा था और मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था मैंने मॉक को। और ये जो है आरबी क्लर्क का मॉक है, मतलब कि 11, मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मेंस से पहले मैंने कम से कम 15 से 18 मॉक जो है उससे ज़्यादा ही मॉक मैं लगा के गया था और अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था हिंदी का। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ मॉक से प्रैक्टिस किया था। और अगर आपका मन है कि कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है सर बता दीजिए कि उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ये एक यूट्यूब चैनल भी है लर्निंग कैप्चर के नाम से, हर्षल अग्रवाल सर का, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट देखिए हिंदी के लिए बना हुआ है, तो आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है आपको, प्लेलिस्ट देखना है हर्षल अग्रवाल सर का जो कि लर्निंग कैप्चर पे मौजूद है, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट हो गया। उसके बाद आपको मॉक से प्रैक्टिस करना है, मॉक लगाना है, उसको बढ़िया से एनालिसिस करना है और भाई कुछ भी नहीं करना है। इतना करके ही मेरा जो है 23 स्कोर हुआ 40, और इस बार उम्मीद है कि और बेहतर स्कोर करूँगा मैं, ठीक है। तो अब मॉक की बात कर लेते हैं कि मॉक कौन सा अच्छा है। भाई बहुत सारे मॉक है मार्केट में, तो मैं आपको दो मौके बारे में बताऊंगा, एक प्रैक्टिस मॉक और दूसरा स्मार्ट क्लास। आप लोग देख सकते हैं ये है प्रैक्टिस मॉक और ये है स्मार्ट क्लास, और मैं स्मार्ट क्लास का मॉक लगा रहा हूँ अभी, और मैं अपना स्कोर कार्ड आरबीपीओ मेंस का आप लोगों के साथ शेयर ही कर रहा हूँ, और वहाँ पे आप लोग जाकर मेरे हिंदी का स्कोर देख सकते हैं कि कितना स्कोर बन रहा है। और यही था, दो मौके हैं, प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास का लेवल काफी अच्छा हो गया, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ही उनका उसका मॉक रहा था, इसलिए मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ इसमें। तो बस यही मैंने किया था और कुछ भी नहीं किया था, और आपको भी यही करना है और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैंने इतना ही किया था, अभी इतना ही करो, स्कोर अच्छा आएगा। बाकी इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप में मैसेज कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग विजन ऑफिशियल के नाम से, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।